मेरे को पहले से भी ज्यादा दर्द हो रहा है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेवक रिद्धि ब्लॉगर। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि हमारी नई वीडियो आते ही आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अभी रिद्धि को लगता है कि उसको लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, तो अभी रिद्धि नहाने गई है। तो जब रिद्धि नहाकर आएगी बाद में डायरेक्टली हॉस्पिटल जाएगी। तो जैसे कि डॉक्टर ने जैसे रिद्धि को एंट्री दी थी लेबर पेन के, वैसे रिद्धि को अभी पेट में दर्द हो रहा है हल्का हल्का। तो अभी डायरेक्टली हॉस्पिटल जाएगी जब रिद्धि नहाकर आएगी तब। तो अभी रिद्धि नहाकर आएगी तब तक वेट कर लेते हैं रिद्धि का। तो चलो रिद्धि आएगी बाद में ब्लॉग कंटिन्यू करेगी, तो आप भी जुड़े रहना लास्ट तक। अभी रिद्धि नहाकर रेडी हो गई थी तो अभी हम जा रहे हैं डायरेक्टली हॉस्पिटल। तो ये रही रिद्धि। तो अभी रिद्धि तेरे को बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है ना लेबर पेन? तो अभी रिद्धि को हल्का हल्का लेबर पेन हो रहा है, तब तक हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। और अभी डायरेक्टली आपको हॉस्पिटल पर मिलते हैं, क्योंकि अभी रिद्धि को मेरे को पकड़ के जाना पड़ेगा और अभी ऑटो से जाना है। तो चलो डायरेक्टली आपको हॉस्पिटल पे मिलते हैं। गाइस अभी हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, तो अभी रिद्धि अंदर जाके चेक करवाएगी, बाद में डॉक्टर क्या बोलेंगे वो भी आपको बताएंगे। तो मेरे रिद्धि और मम्मी जी तीनों आए हैं अभी हॉस्पिटल पे, तो चलो अंदर चल के रिद्धि अभी चेक करवाएगी पहले। और अभी भी रिद्धि का लेबर पेन वैसा ही थोड़ा थोड़ा ही हो रहा है। तो गाइस अभी हम लोग हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास रिद्धि का चेकअप करवा कर घर आ गए। और अभी देखो रिद्धि का हालत पेट दर्द से बिल्कुल वैसा का वैसा ही हालत है और अभी भी कम नहीं हो। इधर बैठ जाओ। कम हुआ या ज़्यादा हो रहा है अभी? तो अभी रिद्धि का पेट दर्द बिल्कुल वैसा का वैसा है जो पहले जितना हो रहा था उससे भी ज़्यादा हो रहा था। ये पानी पी लो ना, किधर गए बोतल? रुको पानी की बोतल दे दो। ये लो पानी की बोतल, सो जा इधर, बहुत हो रहा है। तो लेट जाओ ना पानी पी के, पीना है पानी। फ्रेंड्स, इन्होंने आपको बोला होगा कि रिद्धि को लेवर पेन हो गया है, तो मेरे को ऐसा लगा था इसलिए मैंने इनको ऐसा बोला था। तो मुझे मतलब रिद्धि ने मेरे को बोला कि अभी मेरे को लेबर पेन जैसा ही पेन हो, मतलब वही वैसा ही पेन हो रहा था, इसलिए रिद्धि ने मेरे को ऐसा बोला कि मेरे को लेबर पेन हो रहा है, इसलिए मैंने आगे बोला कि लेबर पेन हो रहा है रिद्धि को। लेकिन नहीं, रिद्धि को लेबर पेन नहीं हो रहा था। तो अभी बाद में बताया कि रिद्धि का जब अभी ये पेट दर्द कम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बाद में आपको बताया कि रिद्धि को किस वजह से दर्द हो रहा था पेट में। डॉक्टर ने हमको बताया कि इस वजह से हो रहा था, वो भी आपको बताएंगे। तो सो जाओ रिद्धि, तो बाद में फ्रेंड्स लोग को बताएगा कि तेरे को किस वजह से दर्द हो रहा था। सो जा इधर। पानी पीना है, सो जाओ। तो अभी थोड़ी देर सो जाओ। इधर हो रहा है, पूरा पेट भी कड़क कड़क हो गया है ना। तो अभी रिद्धि का पेट भी बहुत ही ज्यादा कड़क हो गया है। देखो मतलब रिद्धि का पेट दर्द से बहुत ही बुरा हाल हो गया है। आजा। तो अभी हम लोग हॉस्पिटल में जाकर घर आ गए, लेकिन रिद्धि का पेट दर्द बिल्कुल वैसा का वैसा है। ये देखो बहुत ही बुरा हाल हो गया पेट दर्द से। सो जाओ अभी। मेरे को पहले से भी ज्यादा क्या, दवाई लेने के बाद भी दर्द कम होने की वजह बढ़ रहा है तेरे को, ऐसा हो जाएगा वो तो थोड़ी देर ऐसा लगेगा। सो जाओ थोड़ी देर, आराम करो। तो अभी रिद्धि को मतलब पहले से भी ज़्यादा दर्द होने लगा अभी टेबलेट्स लेने के बाद। कोई बात नहीं, थोड़ी देर आराम करो, हो जाएगा ठीक। कितने बजे तेरे को दर्द स्टार्ट हो गया था ये?
कल रात से हो रहा था पर थोड़ा थोड़ा ही हो रहा था उसमें। कोई बात नहीं, आराम कर लो, बाद में हो जाएगा ये ठीक है। तो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी ना, इसी वजह से थोड़ा दर्द पहले ज़्यादा होगा, बाद में हो जाएगा, ऐसा ही बोला था ना कुछ? हाँ। डॉक्टर ने पहले से ही बोला था कि थोड़ी देर दर्द ज़्यादा होगा, बाद में हो जाएगा ठीक, सो जाओ अभी। तो फ्रेंड्स, अभी रिद्धि सो गई, आप देख सकते हो, और अभी रिद्धि उठेगी और उसका पेट दर्द ठीक हो जाएगा तभी आगे ब्लॉग कंटिन्यू करेगी रिद्धि, नहीं तो मैं ही आपको बता दूंगा कि रिद्धि को किस वजह से दर्द हो रहा था और डॉक्टर ने क्या बोला, वो सब मैं ही बता दूंगा। अगर रिद्धि का पेट दर्द ठीक हो गया तो रिद्धि ही आपको बता देगी। तो चलो अभी रिद्धि उठेगी तभी ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी रिद्धि सोकर उठ गई है, तो अभी तेरा पेट दर्द कैसा है? अभी ठीक हो गया है। हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया? हाँ। तो डॉक्टर ने बोला था ना दो तीन घंटे में टेबलेट्स का असर शुरू हो जाएगा। हाँ। तो अभी दवाई का असर शुरू हो गया, ठीक हो गया। और तेरे को पैर दुख रहे थे, वो ठीक हो गया? हाँ। तो चलो फ्रेंड्स, अभी रिद्धि का पेट दर्द था वो तो अभी खत्म हो गया, और अभी रिद्धि तुम बताओगे कि तेरा पेट दर्द किस वजह से हो रहा था और क्यों हो रहा था? अभी देखती हूँ, मुँह धो के आती हूँ, कंफर्टेबल लगेगा तो बताऊंगी, वरना अभी बता देना। तो अभी रिद्धि हाथ मुँह धोने जाएगी क्योंकि अभी सोकर उठी है, तो अभी हाथ मुँह धोकर चाय वाय पिएगी, बाद में आपको बता पाएगी तो बताएगी, नहीं तो मैं यही बता दूंगा आपको। मतलब सुबह तो रिद्धि का मुँह कैसा हो गया था, बिल्कुल बहुत ही पेट दर्द हो गया था ना शुरू, और जब हॉस्पिटल जाकर आए तब तो उससे भी पहले से भी ज़्यादा दर्द शुरू हो गया था रिद्धि को। तो चलो हाथ मुँह धोकर आओ, बाद में ब्लॉग कंटिन्यू करेगा, ठीक है? आ जाओ, पकड़ो हाथ, इधर हाथ मुँह धोने जा रही है ना अभी? हाँ। चलो मैं आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। लग रहा है अभी तेरे को मतलब लेटी होगी तो नहीं हो रहा, अभी हो रहा है? तो अभी रिद्धि का पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। तो अभी रिद्धि हाथ मुँह धोएगी और फ्रेश हो जाएगी, बाद में आप सबको बताएगी कि डॉक्टर ने क्या बोला क्या नहीं बोला, और रिद्धि का जो हमने आगे बोला कि लेबर पेन हो रहा था वो भी आपको बताएगी कि वो मिस्टेक हो गई थी वो, तो सब कुछ बताएगी। तो चलो रिद्धि को हाथ मुँह धो लेने देते हैं, फ्रेश हो जाएगी, बाद में सब कुछ आपको बताते हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग हाथ मुँह धोने के बाद अभी आ गए हैं बालकनी में, तो अभी रिद्धि आपको बताएगी कि रिद्धि का पेट दर्द किस वजह से हो रहा था और डॉक्टर ने क्या बोला क्या नहीं बोला, वो सब अभी आपको रिद्धि बताएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि मेरे को डॉक्टर ने क्या बोला है। तो इससे पहले आपने आगे ब्लॉग में देखा होगा कि इन्होंने आपको बोला था कि मेरे को लेबर पेन हो रहा है, तो इनको ऐसा मैंने बोला था क्योंकि मेरे को ऐसा लगा था कि मेरे को लेबर पेन हो रहा है, क्योंकि मेरे को ऐसा ही दर्द होता था जैसे डॉक्टर ने हिंट दी थी हमको, मेरे को सेम ऐसा ही दर्द हो रहा था, तो इसलिए मैंने इनको भी बोला कि मेरे को लेबर पेन हो रहा है, इसलिए इन्होंने भी आपको बोला कि मेरे को लेबर पेन हो रहा है। तो मतलब रिद्धि ने मेरे को ऐसा बोला कि मेरे को लेबर पेन हो रहा है, मतलब डॉक्टर ने बोला था कि जब इधर मतलब ऐसा दर्द हो तो ये लेबर पेन ही होगा, तो मतलब रिद्धि को वैसा ही दर्द हो रहा था, इसलिए रिद्धि ने मेरे को ऐसा बोला कि मेरे को लेबर पेन हो रहा है, और मतलब पहली प्रेगनेंसी है तो ऐसा ही होगा। तो अभी रिद्धि को पता नहीं था, इसीलिए वो गलतफहमी में मैंने भी बोल दिया कि ये लेबर पेन मतलब लेबर पेन हो रहा था रिद्धि को, तो रिद्धि को लेबर पेन नहीं हो रहा था, और अभी डॉक्टर ने हमें बताया कि रिद्धि का ये दर्द मतलब किस वजह से ये दर्द हो रहा था, तो अभी वो रिद्धि आपको बताया कि ये दर्द किस वजह से हो रहा था। तो मैं डॉक्टर ने बोला कि बेबी का सिर दब रहा है इसलिए आपको ऐसा दर्द हो रहा है, और अभी मेरे को इन्फेक्शन भी हुआ है इसकी वजह से ये दर्द आपको हो रहा है, ऐसा डॉक्टर ने बोला है। तो मतलब अभी डॉक्टर ने बोला कि रिद्धि का मतलब रिद्धि के पेट में बेबी का सिर दब रहा है, मतलब सोने के टाइम अभी मतलब जो दो ईंटे लगा कर नीचे पैरों की साइड दो ईंटे लगा कर सोना पड़ेगा, ऐसा ही बोला ना? हाँ, खटिया मतलब खटिया के नीचे दो ईंटे लगाना पड़ेगा जो पैरों की तरफ, वैसे सोना पड़ेगा, नहीं तो बेबी का जो रिद्धि के पेट में बेबी का सिर दबेगा और ऐसा ही पेन होता रहेगा, तो अभी रिद्धि ऐसे नहीं सोएगी और नीचे खटिया के नीचे दो मतलब
ईटे रख देंगे और उस पर सो मतलब सोएगी तो थोड़ा ऊंचा हो जाएगा ना पैरों की तरफ से, तो पेट मतलब बेबी का सिर नहीं दबेगा और पेट दर्द भी नहीं होगा और रिद्धि को इन्फेक्शन भी होगा। लेकिन कोई बात नहीं, अभी डॉक्टर ने दवाइयाँ दे दी है तो रिद्धि जल्दी मतलब इन्फेक्शन और ये पेट दर्द भी अभी ठीक हो जाएगा। और मतलब सुबह तक कैसा मूड हो गया था इसका, बहुत ही ख़राब मतलब बहुत ही पेट दर्द हो रहा था उसको। उठते मतलब हम लोग डायरेक्टली भागे ही थे। मैं तो बहुत ही लेट उठा था मतलब रिद्धि को तो मतलब रात से हो रहा था हल्का हल्का, मतलब रात को कितना बहुत हो रहा था या नहीं, थोड़ा थोड़ा ही हो रहा था रात को तो। मतलब रात को मतलब इतना ज़्यादा नहीं होगा हो रहा होगा इसीलिए रिद्धि ने मेरे को बताया नहीं। लेकिन जब मतलब धीरे धीरे रिद्धि का पेट दर्द बढ़ता गया और रिद्धि जब मेरे को बताया तो मैंने काफ़ी बार बोला कि चल चलते दवाई लेने के लिए, लेकिन रिद्धि नहीं का क्या अभी नहीं जाना अभी नहीं जाना। पर जब रिद्धि रेडी हो गई तो अभी हम डायरेक्टली दवाई लेने के लिए गए, डॉक्टर ने चेक कर लिया और अभी कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि डॉक्टर ने बता दिया कि कोई बात नहीं वो तो अभी सब हो जाएगा ठीक। तो यही था मतलब हमें पता नहीं था इसीलिए हमने बोल दिया है मतलब लेबर पेन हो रहा था रिद्धि को, तो अभी रिद्धि ठीक हो गई है। मतलब पूरा दिन मतलब आज रिद्धि का मूड आपने देखा होगा वीडियो में, पूरा मुँह लटक गया था और अभी ठीक हो गया। अब पेट दर्द और रिद्धि का मूड भी साथ में ठीक हो गया और मेरा भी मतलब तेरा मूड खराब हो गया तो मेरा मूड कैसे ठीक रहेगा। अब तू ठीक हो गई तो मैं भी हो गया ना, मेरा मूड भी ठीक हो गया ना। तो चलो आज के लिए इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय गर्लफ्रेंड्स।